पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व नरसिम्हा राव और महान वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी तीनों महान विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत किसान मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया है, अपने लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए वो जिए। नरसिम्हा राव को भारत की अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, उन्हीं की कोशिशों की बदौलत आज देश बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। रोहित ने कहा, चौधरी साहब कांग्रेस के खिलाफ बगावत के प्रतीक थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, उसकी घोषणा उन लोगों के लिए करके आज देश की जनता के हृदय में अपने प्रति सम्मान और बढ़ा दिया है। चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, अकलियत वर्ग के सार्वजनिक उत्थान के लिए प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की सरकार की नींव को रखने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों और वंचितों के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रवाह बढ़ाने का काम किया। नरसिम्हा राव जी ने इस देश में आर्थिक उदारीकरण और गरीब के हाथ में भी पैसा पहुंचे इसका प्रयास किया। नरसिम्हा राव जी ने जीवन भर कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, लेकिन उनके मरने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और गांधी परिवार के लोगों ने उनके अंतिम दर्शन की अनुमति कांग्रेस के कार्यालय में नहीं दी, बल्कि उनके लाश को भी कांग्रेस के मुख्यालय में जाने नहीं दिया। आज मोदी जी ने नरसिम्हा राव जी को भी देश का सर्वोच्च सम्मान देकर उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनके प्रति प्रेषित किया है और देश की जनता का आदर अपने प्रति और बढ़ाया है। स्वामीनाथन जी ने किस प्रकार से किसानों के लिए देश के कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम किया, हम सब लोग आज गदगद हैं, देश गदगद है। प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष आभार और तीनों मनीषियों के प्रति विशेष पुष्पांजलि। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि एक वक्त था जब केवल परिवार से जुड़े हुए लोगों को ही पुरस्कार दिए जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अपनी कुशल सोच और परख के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवंशियों के दिलों में राज करते हैं। रोहित ने कहा, नरसिम्हा राव ने गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाया था, कांग्रेस ने उनके निधन के बाद अपने कार्यालय में उनके शव को आने की अनुमति तक नहीं दी थी, गांधी परिवार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का अपमान किया था। रोहित कुमार ने कहा कि पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद है, पीएम मोदी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, उन्हें पता है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए किन किन लोगों ने अहम योगदान दिया। नरेंद्र मोदी ने इन विभूतियों को भारत रत्न देकर किसान, गरीब और मजदूरों के दिलों में जगह बनाई है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।